मैं भूपेश बघेल नमस्कार, जय जोहार, राम राम, स्वागत है आप जम्मूझन के हमारे खास कार्यक्रम में। आज के दिन छत्तीसगढ़ में नवा सरकार बने रही से भूपेश बघेल की सरकार 17 दिसंबर के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल शपथ ले रही हैं और आज एक बच्चर पूरा हो गए है। इस समय हमन बात करे पर उखड़ती राय हन। मुख्यमंत्री जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, धन्यवाद, जय जोहार, बधाई है आप लग की एक साल शानदार आप पूरा करे हो। यदि बात करें एक साल के सफर के, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारा के साथ आप शपथ ले रहे हो और बड़ा उत्साह के वातावरण रही शपथ ग्रहण कार्यक्रम में रहे हो और बड़ा उम्मीद के साथ भारी भरकम बहुमत से आप आए रहे हो, एक सीट और बढ़ गई है। अभी एक साल के सफर कैसे लगा थे अभी आप लग? बिल्कुल, एक साल में जो सबसे बड़े काम हुए तो यहाँ हर वर्ग के विश्वास जीते किसान, ये सरकार ऊपर सब जन भरोसा है, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो नौजवान हो, उस सब वर्ग के बड़ा भरोसा है सरकार ऊपर। एक साल में हमें इस जीते में कामयाब हो सबके विश्वास जीते। खासतौर पर यदि मैं कहूँ तो जैसे आप किसान मन पर काफी कुछ करे हो और मैं देखे कि भयंकर सबके 25 रुपए में जनधान आप खरीदे पहला साल, सब सोयाबीन वाले में सोयाबीन बंद कर दिन धान बोए हैं, भरपूर उत्पादन भी हुए है, किसान मन पर तो निश्चित तौर पर काफी करे। छत्तीसगढ़ी अस्मिता पर खास तौर पर हमन छत्तीसगढ़िया मन देखते हैं तो ऐसे लगते कि छत्तीसगढ़िया राज आए है और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के जिन बहुत समय से मांग रही थे और प्रॉपर संरक्षण नहीं होते या नदाब जात है टाइप के, ओला पुनर्जीवित करे कोशिश करे हो, कौन चीज में सबसे ज्यादा आपको संतुष्टि मिलते है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा तो नहीं कत्तों कमा लिया, लेकिन परिवार के साथ सुकून के बीच दो पल नहीं बिता पैसे तो पैसा कोनो काम के नहीं तो, लेकिन आजकल बिना पैसा के कोई काम हो नहीं सकता है। तो दोनों चीज संतुलन होना चाहिए, एक तरफ लोगों के जीवन यापन बड़ा पर्याप्त धन भी हो, दूसरे तक रोजगार मिले, और तीसरा ये अपने परिवार के साथ सुकून से चार पल बिता है, ये सबसे बड़ी चीज है। और ऊपर बस जरूरी है कि हम अपन तीज है, त्यौहार है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, जेकर हजारों साल से हमारे छत्तीसगढ़ी समाज छत्तीसगढ़ के लोगों में जिया थे तो उन्हें पुनर्जीवित करता, फिर से हम एक साथ मिलकर मनान, हमारे गांव की परंपरा, हमारे शहर में की परंपरा, सब छोटे बड़े सब मिलकर जो हम त्यौहार मनाते हैं तो त्यौहार में शुरू करें। ऐसा जब हरियाली मनाए शुरू करें, गेड़ी चढ़ें तो ऐसे लगे कि जैसे दिवाली दर के हो गए ना त्यौहार, जबकि सबसे बड़े त्यौहार हमारे दिवाली है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हरियाली होगा कि जबरदस्त ऋषि पूजा उन्हें बहुत बढ़िया सुंदर ढंग से मना, गोवर्धन पूजा बहुत सुंदर है, ये सब त्यौहार मनाए हमारे परंपरा से जुड़े हैं, हमारे संस्कृति और ये हमारे पहचान है। पूजा हम पुण्य मेला शुरू करें, पहले ये मानते बोला कुंभ मेला कर दी थी, कुंभ कल तो हमारे नाम ही बदल दी थी, हमारे पहचान है कुंभ मेला बचपन से सुना था, हम पता नहीं कब शुरू हुए थे कोई जानकारी नहीं, लेकिन वो हमारे संस्कृति का हिस्सा है, बदल मिला वो बदले की कोशिश हुई, हमारे पहचान छीने काम है, हम अपन पहचान का वक्त हुआ और पहचान के साथ साथ आगे बढ़ा। क्या लगते आने वाले दिन में भी ये सब जन शुरुआत आप करे हो बने रही आने वाला दिन में या और कुछ नया प्लान है आपके? तो ये हमारी संस्कृति है, तिलक हम जैसे हम कौशल्या कराम जब शुरू करें, कागज शुरू करें, कागज के हमर हर आप रामी समाज में जो पूरा शरीर में राम राम उड़वा है,
अभी धान लुए मिले चला थे पहले, अब तो बोरा भर देते, नहीं पहले काठम नापत रहे, तो काठम पहले राम खान एक नहीं था, राम खान गाँव मन में राम कुशी परम्परा, आज भी बहुत गाँव राम कुशी हमर अमन भाचा उसका नाम का संसावर कौशल्य माता नीचे तो भाचा में राम लगे थे हमारे संस्कृति जुड़े हुए है रचे बसे कुनमिन से तेला राम राम बीता होते सब राम राम और कहीं होते मैं तो राम नहीं जाना गया मैं राम नहीं कहे मतलब कोई भी शब्द नहीं बोले ऐसे कवर के प्रति लड़ी तरह से मैं तो राम नहीं बोले तो हर चीज में हमारे हमारे जीवन शैली में राम हम कौशल्या के राम शुरू करें वो राम वन गमन तक के भी हम शुरुआत कर रहे हैं बहुत जल्दी कौशल्या जन मंदिर रहते कर परिसर के हमें विस्तार पर वो विकास पर हम कार्यक्रम लागू कर दो मरवा गुरुवा घुरवा बारी ये चार चिन्हारी छत्तीसगढ़ के ये कॉन्सेप्ट चुनाव से पहले भी शपथ लेते ही ये दिशा में तेजी से काम भी करे हो साल भर की प्रगति से कतेक संतुष्ट हो और का करना है हम आगे ये हर गांव समस्या है और हर गांव में आप लोग गौठान बनाना है हर गांव नरवा ऐसे कोई गांव नहीं जो नरवा ना हो बहुत कम हो जिन गांव नरवा ना हो लेकिन हर गांव नरवा है तो नरवा हम नरवा पानी संचित करना है वो लोग सब करे लगी इस साल हमने 1028 जिन नरवा है तेल हम आइडेंटिफाई करते हैं तब डीपीआर बन गए अभी धान लुई वगैरह चढ़ाई पानी की स्तर थोड़ा से नीचे आई कैसे हम नरवा में काम शुरू हो गए तो वाटर रिचार्जिंग काम हम कर रहे दूसरा दरखान के काम इस साल करीब 1800-1900 ले रहे हैं वो करीब 1500-1600 वो संचालित है इस साल 3000 हम दरखान देना चाहते हैं ताकि आने वाला समय पर उसका दबाव कमती है तो ज्यादा से ज्यादा गौठान के लाभ मिल सके अभी देख के लाभ ले देख के सब गांव वाला मकान हम रही है शुरू कर हम तो एक दबाव भी सरकार के और लोगों के सहयोग लोगों ने ये समझ आ गए ये सरकारी योजना में है सरकार जरूर हमें बना दे थे जमीन हमारे गौठान पर सुरक्षित कर रहे थे चारा उगाए पर सुरक्षित कर रहे थे घेरा के ट्रेंचिंग के ऊपर पानी के छमिया के पेड़ लगाए के काम सब कर रहे थे लेकिन ये संचालित हमला करना है ये बात के अनुभव हमारे गांव वाला मल्ला हो गया ये सबसे बड़ी बात है जिन दिन गांव वाला में सोच ली कि हमला करना है तो फिर वो कार्यक्रम असफल हो नहीं सका है ग्रामीण विकास पर तो काफी लंबा सोच दिखते आपके शहरी विकास पर लगते थे तुलनात्मक रूप से पीछे हो आप ये पैसे जैसे हम 4-3 दिन तक बिजली बिल आधा करेंगे तो फायदा सब लोग मिले छोटे बड़े गांव शहर सब लोग मिले 35 किलो चावल के लाभ शहर के वाला भी मिले गांव वाला भी मिले बल्कि शहर में जिन तरह हम जेतर कर जेल में शासकीय भूमि जिन काबिज है वो पट्टा देख काम हम करें अभी सब सर्वे चला थे सबसे ज्यादा सर्वे कम्प्लीट हो गई सबसे ज्यादा पट्टा भी बढ़ गए तो ये काम हम मतलब शहर के आदमी मतलब करे काम करें वैशाली में गोमास्ता जी कानून बने रही थी हमें काफी हमारा रिलीफ मिली फिर जिन उद्योग लगे हुए और 2 हेक्टेयर तक के जिक्र कर लीज मिली रही जमीन को और फ्री होल्ड कर दें तो बहुत अगर काम है जिन वैशाली मंबर का शहर के आदमी मंबर कर रहे थे उकर मजबूती पर सड़क पानी बिजली के तो उपलब्धता कराते थे लेकिन उकर अलावा उकर जीवन में का परिवर्तन आ सकते वो कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं कैसे मजबूती दे सकते हैं व्यापार में व्यवसाय कैसे बढ़ा सकते हैं अभी जैसे एक फैसला हम ले कि जैन ज्वेलरी पार्क हिंदुस्तान सबसे बड़े बना पाए 10 लाख वर्ग फीट में बनाबो 10 मंजिला हो और उपरे मन से जिन जैन ज्वेलरी में जो काम कर रहे थे उपरे मन से हमने सुझाव लेके उसका डिजाइन कैसे बनना चाहिए वो सब उपर मन सहयोग से कर रहे थे सूरत कलकत्ता और मुंबई के बाद सबसे बड़े ये है तो शहर पर भी हमें लगातार विपक्ष के लगातार आरोप रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रुक गए आधारभूत संरचना के काम एक उठ हो नहीं साल भर में ये आरोप लगते हैं इन एक चीज बताए केंद्र सरकार पिछले भी ऊपर भी थी और अभी भी ऊपर नहीं थी जब तक एन एच आई की जब तक रोड है तो हम बंद कर पड़े
सवाल तो वाला करना चाहिए, यह धमतरी वाला रोड बंद है, धमतरी से बस्तर वाला रोड बंद है, रायगढ़ से पत्थरगांव वाला रोड बंद है, कोरबा वाला रोड बंद है, चांपा जहांगीर वाला रोड बंद है, तो सब दोनों रोड में काम चलते कि नहीं, काबर बंद है, इलाका भारत सरकार से पूछना चाहिए, बड़े काम तो ओमन ले रखे, यहाँ तक सड़क मंत्र संधारण काम ऐसा पूरा हो, पानी में जो बाग रही है तो संधारण काम हो गए, ये सारा बजट में पूरा सड़क के काम हमारे को सड़क है, सिंचाई की योजना हमारे लोग को बहुत ठीक बात। घोषणा पत्र में बहुत अच्छा घोषणा हो रही है, काफी बड़े बड़े घोषणा तो पूरा भी हो गए है, काका अभी बड़े घोषणा है जो आने वाला साल में पूरा करी हो, मन में 36 जन घोषणा रही है, 22 तक कर रहे हैं, तो यह सरकार से समीक्षा कर लेते हैं, कौन कौन से करना है वो मतलब करा जाओ, हमने 5 साल की बस सरकार जनता जनादेश दे और एक ही साल में हम 22 तक कर दें, 22 घोषणा पूरा कर दें और कंटिन्यू रखें, जब हम गौठान बनाना है, बारी बनाना है, मरवा काम है, एक ही साल में नहीं हो जाए, उस पूरा 5 साल सतत चला सकता हूँ, धान खरीदी एक ही साल से नो है, ऋण माफी जरूर एक साल के लिए एक साल हम करते, अब ये धान खरीदी है लगातार हम करते, तेजू पता 4000 में खरीदे थे वो लगातार हमारे करना है, लघु अनुपज जन 7 से खरीदे थे और 15 का खरीदे थे, तो आजीविका सेंटर हम लगातार बढ़ा जाते हैं, हमारा छोटे छोटे जो उद्योग है तिला जेकर से लोगों संग्रह का तिला से उसका वैल्यूएशन होना है, हम 40 ब्लॉक में 111 सेंटर हम खोल रहे हैं, उसका लाभ सीधा ही नहीं मतलब मिला से, धान खरीदी की चर्चा करें अभी आप, साल भर तो बहुत बढ़िया माहौल है, जैसे मैं शुरू में भी कहें कि खेती के रकबा धान के बढ़े सब हो गए, उत्पादन भी बम्पर हुए है, अभी अभी किसान कुछ कंफ्यूज हैं, कई जगह से असंतोष के खबर भी है, काबर ऐसा दिक्कत का होते है कि किसान जिन है हालांकि शोर है कि 2500 मिली लेकिन अभी दिक्कत नहीं है, वहां कई थे रोड़ा आवत है उखर बारे में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा छल्ला करे, वो अपन गलती छुपाए पर केंद्र सरकार से मांग करे, मोदी 3 साल से शिथिल कर नियम लग, अब केंद्र सरकार हमारा धमकावत है कहते हैं तो हम बोनस देश तो चोर है चावल नहीं खरीदा, तो चावल नहीं कर दी तो कैसे सरो बनाना, हमें तो धान खरीदते थे भारी से सरकार पर खरीदते ना, हमारे राज्य में जब तक जरूरत थी चाउर की उसका रखे उसके बाद बचे चाउर ले भारत सरकार लगे थे वो कहा था नीला, तो ये प्रकार के जो है तो जब 2 साल तक छूट दे रहे तो इस साल काबर नहीं देता, कुछ सही बात है वो बात से ध्यान हटाया पर उमन आंदोलन कर शुरू करे और किसान के कोई सहयोग नहीं रहे, ये मन हर कोई 10-15 जन खड़ा हो जाए सोसाइटी में धान धान खरीदी चलते थे, ये दूसरा चीज ये है कि 2500 रुपये में खरीद रहे समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं हो रही, दूसरा राज्य में पड़ोसी राज्य में उसको नहीं मिला था वो बहुत कम बिका थे, तो दूसरा राज्य से व्यापारी मान कोचिया मान यहाँ लावा थे तो नुकसान तो राज्य को तो ओला हम उत्साहित करना है, अभी जब का धान खरीदी होना पिछले साल हम खरीदे रहे उसका धान अभी तक खरीदी हो चुकी है और भुगतान भी हो गए जमीन पुरुक नहीं, लेकिन जिन जेमन दलाली करत रही थे जेमन कुशियागिरी करत रही थे जेवन पैसा कमात रही थे जिन किसान लभी लुटत रही थे सरकार लभी चूना लगाती थी वो मतलब बहुत परेशान थे करते हल्ला ज्यादा करा था, बेठाऊ मामला में आपके सरकार ने काफी घेरत है अभी, एक तो शराबबंदी के मामला है, एक बेरोजगार मतलब जिन भत्ता देवो कह रहे हो, ये दो मामला लेके खास तौर पर अभी एक उधर वीडियो भी आ रही है ठगा के छत्तीसगढ़ करके, तो भारतीय जनता पार्टी तो के रही से हमने सब बेरोजगारी भत्ता देवो एक उदीस का गाय बांध होगी इस बाटी का आदिवासी मतलब हर घर देते थे सरकारी नौकरी देवो के 20 का हर साल बनो देवो के 20 का, हमने तो एक ही साल में 15 साल में मन नहीं कर सके, हमने एक साल में सदा कर दिया, ये जैसे काम है तेरे हमने 5 साल में करना है, हम लगातार रोजगार देख काम कर रहे हैं, 15000 शिक्षक मन की भर्ती 98 के बाद पहली बार भर्ती हो, इधर पहली कहां शिक्षक मन की भर्ती हो,
अभी 3000 पुलिस वाले मन के भर्ती हुई, डॉक्टरों मन के भर्ती हुई, डॉक्टरों मन के भर्ती हुई। बस्तर में सरगुजा में डॉक्टर नहीं मिला, कृषि अब सब जगह जाकर के डॉक्टर और व्यवस्था करें। बस्तर में सरगुजा में शिक्षक नहीं रही स्कूल में, अब वहाँ नहीं शिक्षा तो शिक्षा नहीं तरफ रोजगार चतुर्थ श्रेणी कनिष्ठ चयन बोर्ड का गठन करें बस्तर में सरगुजा में बिलासपुर में, वो कैसे स्थानीय मतलब नौकरी मिली रोजगार के पूरा गौठान योजना है जिनमें रोजगार मिली, तीन आजीविका सेंटर है ओमन में रोजगार मिली, सरकारी नौकरी पर रोजगार है का। हमार कोशिश है कि जिन मन नौकरी नहीं करा थे तीनों मतलब तृतीय चतुर्थ श्रेणी के बराबर उमन लग ओमन कमाल है। अभी हमारे जैसे बंद चले बने हमारे बहनी मन काम करते हैं, 5-6 रुपए रोज कमाते और गोबर की दिया बनाते, गोबर कंपोस्ट खाद बनाते, गोबर के फिर वर्मी खाद बनाते, गमला बनाते, गोबर और माटी मिलाते, खूब पैसा कमाते। तो उसमें जैसे जैसे अब हम जबर्रा में संदाई दवा दें, वहाँ वहाँ कलेक्टर और इको टूरिज्म डेवलप करी, 8 लाख रुपये ज्यादा कमाते हैं, विदेशी मन आते वहाँ वहाँ इको टूरिज्म में। तो ऐसे ढंग से सरगुजा तरफ चल रहे, प्रतापपुर में चल रहे, जिन खदान में पानी भरे तो बढ़िया वो बोटिंग कराते महिला समूह वाले पैसा कमाते, वहाँ मछली पालन होते। तो ऐसे अलग अलग अब जैसे पहले वहाँ जमा फूल की बड़ा प्रसिद्धि है, 60-70 रुपये मिले किसी, अब वो एग्रीमेंट कराते बड़े कंपनी वालों से, पैकेजिंग कर दी, 1 किलो पैकेज बना दी, अब 120 रुपये मुक्त बेचा थे, 50 रुपये उठा नहीं गए। ऐसे ढंग से हम धीरे डिशन करा थे, कोदो कुश्ती सावा सब यहाँ सबको खरीदाते, काला काला चावल बिका थे, भूरा चावल बिका थे, यहाँ के कोसा अभी हम दिल्ली में जाके प्रदर्शन कराए, हम छत्तीसगढ़ भवन में कर उनकी चाल लगा दें, खूब कमाते लोगों ने 50-50। सरकार जे मन मेहनत करे थे सरकार और प्रोत्साहित करे काम करा थे। ठीक बात है, एक चीज ये जानना चाहता था आपसे कि पिछले सरकार के भ्रष्टाचार के जन हो रही से बहुत अकन काम ओखर आप जांच कराए शुरू करे हो, ओखर अब का हुआ थे उला लेके अभी कुछ चर्चा नहीं हुआ, शुरू शुरू में बहुत तेज SIT बने है ना, जितना पुराना सरकार के चाहे स्काई वॉक के मामला हो, एक्सप्रेस वे के हो, अंतागढ़ टेप कांड हो, झीरम घाटी हत्याकांड हो, सब जन जनता के मन में एक बड़े सवाल रही से पिछले सरकार में नहीं होते रही से आपके साथ आप ओमर ध्यान दे शुरू करते, अभी कुछ रफ्तार थमे टाइप के दिखा रहे। झीरम घाटी में लगातार हम कोशिश कर रहे थे, अंतागढ़ में जो मन आरोपी रही थे तो वाइस सैंपल दे दी, अब जो मन और हवे तो हमारे वाइस सैंपल अपन देना चाहिए, काबर नहीं दे वैसे। दूसरा पहली बार ऐसे होते कि जांच नहीं होते कर PIL लगा है कौशिक जी और उसेंडी जी भाजपा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नाम की जांच नहीं होना चाहिए कर PIL, मैं पहली बार देखा था। ये मैं रोकी कोशिश कर रहा था, घोटाला में सब्जित थे सबसे मोबाइल में जीरम ये पाए कि भारत सरकार अनुमति हमारे नहीं देते कि दाल में कितने कुछ काला है, लेकिन बहुत सारे फाइल है जैसे परत अभी अभी केवल धूल भर चल रहा है, अभी बहुत अगर परत खुलना बाकी है। एक सवाल है, युवा और महिला ये दोनों एक समाज के बड़े वर्ग है, आप मन के विजन भी थी पहली, एक साल में इखर वर का करे हो, इखर बारे में जानना चाहते हैं, युवा मन बर महिला मन बर। देखिए महिला मन बर जब तक भी ऐसी ग्रुप है इखर मन के माध्यम से काम करे थे, फिर 50,000 महिला मन यही काम करे थे और बढ़िया रोजगार प्राप्त करे थे, युवा बढ़ाए की बहुत जरूरत है। दूसरा युवा मन बर भी जिन आना नदी जो सरकारी वैकेंसी है मतलब हर एक कोशिश करते हैं और रोजगार के नए नए अवसर हमन शुरू करबो, इकर लाभ जरूर नहीं है। प्रोफेसर मंत्री असिस्टेंट प्रोफेसर मंत्री भर्ती है वह काम हम शुरू करें, तो एक प्रकार सरकारी नौकरी भी और साथ साथ रोजगार भी। एक छोटा सवाल है, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों जिन राष्ट्रीय औसत की तुलना में छत्तीसगढ़ थोड़ा पिछड़ा माने जाते हैं, शिक्षा यहाँ के राष्ट्रीय औसत से यहाँ की गुणवत्ता जिन शिक्षक के है वो इसमें स्वास्थ्य के है, आदिवासी बहुल होने के कारण बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहे शिक्षा हो स्वास्थ्य हो, उच्च शिक्षा में जरूर है जिन स्कूली शिक्षा है वो काफी सुधार की जरूरत महसूस होते,
ये दोनों लेके शिक्षा स्वास्थ्य लेके आपसे क्या विजन है? आपकी जिन चिंता है इससे मैं सहमत हूँ, उन्होंने बहुत काम करने का आवश्यकता है, बहुत गुंजाइश की है स्वास्थ्य क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में, और निरंतर हमारों के उनमें समस्या भी चलत है और हमारों के ध्यान में आ गए, और ये कोई चीज है जिन्हें काम कर बहुत निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के तस्वीर बढ़ रहे हैं। काफी टाइम हो गया, बस जाते जाते एक सवाल थके हो आप काफी और बस एक आखिरी सवाल सब देना गोरत है कि दाऊ जी एक साल हो गए, अब बहुत जन कार्यकर्ता आस लगाए बैठे हैं कि निगम मंडल हम रोज इस नियुक्ति टाइपे, तो कब होगी उसके बारे में क्या योजना है? बहुत जल्दी नगरीय निकाय चुनाव पंचायत चुनाव से रही शुरू होगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आप समय दे तो ये रही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जैन मन अपन एक साल की उपलब्धि बताई, और आने वाले समय में इधर का प्लान है, का योजना है, और कैसे गांव से लेके शहर और लड़का से लेके सियान तक के विकास बर उखर दिमाग में का चलत है, ये सब बात के उमन जानकारी दिन। धन्यवाद। मैं भूपेश बघेल We'll be right back.